I love you now. And I will always love you. Always. I love you, Rashi. What? क्या 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 था ये वो ये तुम अरे क्या मोनोसिलेबल में बातें कर रहे हो. मैं समझाता हूँ ब्रो. हम ना मेरे ऑडिशन का सीन रिहर्स कर रहे थे. अच्छा आई लव यू राशि क्या था फिर? आई लव यू राशि नहीं था ब्रो, आई लव यू मासी था. वो जो कैरेक्टर है ब्रो, उसको उसकी मासी ने बड़े प्यार से और जतन से है ना पाल पोस के बड़ा किया है. तो इस सीन में ना वो उनको बोल रहा है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है. तो आई लव यू मासी, नॉट राशि. It was a typical case of mistaken identity. Yeah. हकुरा हुम्मा. तभी मैं कहूँ तेरी छोटी बहन जैसी है. भाई तू आज चोरों की तरह क्यों आ गया? अरे मैंने बेल बजाई थी, बेल बजी नहीं. ये किसने ऑफ किया था? वो ये बेल का स्विच है, मुझे लगा ये फैन का स्विच है. तो ऑडिशन में डिस्टरबेंस होती है ना, तो मैंने बंद कर दिया. सॉरी. ठीक है ठीक है ठीक है. चल मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर चाय पियेंगे. ठीक है. राशि मासी आप चाय बना दोगे? थैंक यू. हाँ बेटा फैब्रिक तो मिल गया. अरे मेरे का ही था ना, मिल जाएगा. हाँ लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है. जिस कारीगर को हमने जयपुरी गोटा बनाने के लिए ऑर्डर दिया था ना, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा था. जब मैं उसकी दुकान में पहुंचा तो उसने कहा मैंने गोटा तो बनाया ही नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी. बनाया नहीं मतलब? अरे नहीं बना रहा था तो बता देता ना. अब हम इतने कम टाइम में गोटा कहाँ से लेके आएंगे? हाँ बेटा अब गोटा तो बन नहीं पाएगा. रितिका को तुम्हें दूसरे ऑप्शन के लिए मनाना पड़ेगा. मास्टर जी फिर वही बात. मैं कह रही हूँ अप्रूव्ड डिजाइन में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं. अरे चेंज नहीं करोगी तो ड्रेस नहीं बनेगी, फिर क्या करोगी? अच्छा ठीक है मास्टर जी, मैं देखती हूँ गोटे का क्या करना है. आप ऐसा करो आज से कटिंग तो स्टार्ट कर ही दो, गोटे का मैं ट्राई तो करूँगी. ठीक है बेटा, मिल जाएगा तो फोन जरूर कर लेना. अरे राशि नाश्ता तो कर ले. एक दिन खाऊंगी नहीं तो मर नहीं जाऊंगी. मैं नहीं खाऊंगा तो जरूर मर जाऊंगा. यार इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही थी? सब कुछ ठीक तो है? पता नहीं, काम को नहीं होगा. जब भी ऐसे मूड में होती मैं तो अवॉइड ही करता हूँ. क्या हुआ, सब कुछ ठीक है राशि? हाँ वो ये रितिका कपूर वाली ड्रेस है ना, उसके लिए मैंने कारीगर को एक स्पेसिफिक चीज बनाने के लिए बोली थी और वो लास्ट मिनट मना कर रहा है. उसी का ही जुगाड़ करना है, पता नहीं कैसे होगा. चल भाई मैं अभी निकल रही हूँ. आई कैन आस्क माय फ्रेंड्स. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि शूट में स्टाइलिंग का काम करते हैं. दे माइट नो. हाँ तो अच्छे काम है, परमिशन किसकी चाहिए? जा हेल्प कर. नहीं नहीं लेट हिम फिनिश एंड मैनेज. नहीं 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 मैंने खा लिया. हाँ खा. ये गाइस सो वी हैव सम वेरी गुड न्यूज ओवर हियर. The stakeholders are very happy with our company's quarterly growth. Yay! Well done. And also, third-party market research company से हमारे so-called flagship future app की analysis report आ गई है. और उनके हिसाब से हमारा ये जो app है, lie detector beta model, उसका user interface इतना smooth है कि कोई भी फिसल सकता है. Nice, no? What they are trying to say, the design is very impractical. It's not nice. Obviously, I'm very upset. But as usual, I'm drowning my sorrows into my laughter. Badi umeed thi is app se aur hamare star employee se. Where is he? Abhay! Abhay, please come here. Take center stage. Our star employee. Come, come. अब तो लगता है कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाना तो दूर, कंपनी की इमेज ना खराब कर दी है. राजीव ये बहुत कॉमन ट्रेंड है. थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स अक्सर नए इनोवेटिव डिजाइन्स को लेकर काफी बाइस्ड होती है. I'm quite confident about that. Oh, 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 you are very confident. कहाँ से लाते हो ये सब कॉन्फिडेंस? Are you like 200% sure के बाइस्ड है? See, all I'm trying to say is that we... That is your problem, na? You're just trying to say you're not doing anything. But बोलो मत, करो ना, करो ना. अच्छा कोरोना से याद आया. Do you guys wear your masks when you go back home? वो नया स्ट्रेन आया है, इट्स वेरी डेडली. कमाल है, अब तो कोरोना का भी सीजन 2 आ गया आफ्टर द सक्सेस ऑफ सीजन 1. पर हमारा ऐप अब तक लॉन्च नहीं हो पाया है. लिसन अब भाई, अगर ये हमारा ऐप लॉन्च नहीं होता है सक्सेसफुली तो भूल जाओ कोई भी पर्क्स जो तुम्हें इस कंपनी से मिलने वाले हैं. ओके, फॉरगेट ऑल द फन.
भैया दो सैंडविच बनाना, एक में नो आलू, नो एक्स्ट्रा चीज एंड नो बटर। तो भैया ब्रेड भी नहीं डालता हूँ, टमाटर और खीरा खा लो। मजाक कर रहे हैं, बैठिए भैया मैं लाता हूँ। सर कासम एक काम करो, अच्छी तरह ग्रिल करना, एकदम क्रिस्पी। जी जी भैया। तेरा चेहरा देख के इस समय ऐसा लग रहा है कि तेरे मन में ना दर्द नाक सा खाना बन रहा है। नहीं, बैड कॉमिक टाइमिंग है तेरी। कब तक मुल्क आगे रखेगी यार, आगे एक और मार्केट है, वहाँ पर जाके चेक कर लेंगे वापस। यार मिलना होता तो अब तक मिल जाता, सुबह से 20 मार्केट 100 दुकानें देख ली हैं, अब नहीं मिल रहा। एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। I do understand. I know it's important. यार एक गोटे की वजह से तू थोड़ी ना डिस्करेज हो जाएगी। I mean, यार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। I don't want to be a fail. Like me. लीजिए भैया, ये आपका सादा वाला। थैंक यू मैडम, आपका। सॉरी यार पुलकित, दिमाग बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ओके यार, इट्स अ फैक्ट, अगर लाइफ में फेलियर्स ही नहीं होंगे तो सक्सेस का मजा ही कहाँ है। कल को जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो उसमें ड्रामा कहाँ से आएगा, क्या बोलूंगा लोगों को कि पुलकित दिल्ली से निकला, मुंबई पहुंचा, पहले ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गया, स्टार बन गया। आई मीन हाउ बोरिंग यार। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेगा अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो, वरना अ बुक ऑन हाउ टू डील विद फेलियर्स। इन एनी केस आई विल बी अ बेस्ट सेलर। तो अपनी फर्स्ट कॉपी मुझे दियो। भैया सैंडविच बराबर है? एकदम झकास। और कुछ चाहिए? भैया वो थोड़ी सी ग्रीन वाली चटनी होगी। मैडम अब शाम का टाइम है, हरी तो खत्म हो गई, मैं आपको इमली की लाल चटनी देता हूँ, एकदम मस्त टेस्टी। थैंक यू बस। अच्छा मैं बोला था ना बहुत अच्छी लगेगी। भैया थैंक यू, थैंक यू भैया। और कुछ चाहिए तो बताना। थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे पुलकित की इमली की चटनी के लिए इतने सारे थैंक यू। चटनी के लिए नहीं, आइडिया के लिए। व्हाट आइडिया? अब तुझे भी कुछ ऐसे ही करना है क्या? सैंडविच का ठेला खोलूं? तुझे ग्रीन चटनी को लाल चटनी से रिप्लेस करना है। सर कैन यू प्लीज सिंपलीफाई दिस फॉर मी? भैया के पास में ग्रीन चटनी नहीं थी तो क्या उसने ऐसा सोचा, ओह माय गॉड आई एम अ फेलियर इन लाइफ, मेरा क्या होगा? नहीं, उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एक बेटर अल्टरनेटिव दिया व्हिच यू लव्ड। तुझे वही करना है, पूरे सैंडविच को फेंकने के बजाय उसको रिप्लेस करना है विद अ बेटर अल्टरनेटिव, दैट्स इट। हां पर मैं अगर रितिका के पास ऐसे अल्टरनेटिव लेके जाऊंगी विल शी लाइक इट? यू हैव टू लाइक इट एंड बिलीव इन इट फर्स्ट। अरे कोई इंसान भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है, ये तो एक गोटा है, तो इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी को जाने देगी? जस्ट टेल मी। हां मतलब नहीं, नहीं जाने दे सकती। यू आर राइट यार, तू तो बहुत स्मार्ट है। सॉरी आई कान्ट डू दिस। इतने कम टाइम में UI चेंज नहीं कर सकता मैं। राजीव को मुझसे ज़्यादा थर्ड पार्टी रिसर्च पे भरोसा है, देन आई कैन ड्रॉप दिस। जिस आर्किटेक्ट ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा को डिज़ाइन किया था ना, उसने उसे जानबूझ के लीनिंग नहीं बनाया था। सोचो अगर वो स्ट्रेट होता तो क्या इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता? तुम्हारा पॉइंट क्या? माई पॉइंट इज कि हो सकता है कि तुम्हारे ऐप के यूजर इंटरफेस डिजाइन में कुछ और, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग सो डिसहार्टेन्ड अबाउट इट, मेक दैट योर USP ना। प्रॉमिस मी अब, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, तुम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दो। दैट्स लाइक द अभय नो। अच्छा लिसन, जो लीड इन्वेस्टर है ना मेरी यूनिवर्सिटी का एलुमना है, मैं उसे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें सब कुछ रेडी करना पड़ेगा डेडलाइन से पहले। पॉसिबल? ओके प्रॉमिस आई विल डू इट। ग्रेट, यू नो यू वुड मेक एन एक्सेलेंट लाइफ कोच। आई नो, बट ओनली इफ आई हैव यू बाय माय साइड। You know, partners thank you नहीं बोलते, they hug each other. Come on, hug me now. क्या
बच्चे जैसी हरकतें हैं। जब कोई बहन अपने भाई का बर्थडे भूल जाए तो भाई को बच्चा बनके खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा ना। तुझसे किसने बोला कि मैं तेरा बर्थडे भूल गई? तेरी शक्ल से देख रहा है, यू लुक सो सरप्राइज्ड। हूं मैं सरप्राइज्ड? इसलिए नहीं क्योंकि मैं भूल गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने मेरे सरप्राइज को अपने सरप्राइज से सरप्राइज कर दिया। मैं सरप्राइज होगी क्या? अरे भाई तेरा बर्थडे आज दिन की शुरुआत हुई है, दूसरे को टाइम तो दे सरप्राइज देने का। मैं दो दिन से पुलकित के साथ। तुम लोग मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे, बट अब तो फायदा नहीं है बिकॉज़ तुझे पता नहीं, नहीं, है नहीं, तो बर्थडे मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस रोज की तरह खुश हूँ। ब्यूटीफुल फैमिली मूवमेंट चल रहा था, मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया, सो सॉरी। एंड ब्रो मैं तेरा बर्थडे कैसे भूल गया, सॉरी अगेन। भाई को पता है, मत कर एक्टिंग। क्या सरप्राइज? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस रोज की तरह ऑफिस जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हैव अ गुड डे। एक्टिंग सुधार ले अपनी एंड प्लीज टेक अ शायर यार, इसको कहो या इवन ये मेरी एक्टिंग पे क्यों अटैक करता है हर बारी? हां वही सरप्राइज क्या है? वही जो हम प्लान करेंगे। हेलो या प्लीज कल कर सकते हैं इसको, अगर आज ना करें तो? नहीं नहीं ठीक है, आज ही करते हैं। ओके थैंक यू। क्या हुआ? ऋतिका कपूर को आज ही मिलना है और अभी तक मैंने गोटे के ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट भी नहीं किए हैं, और भाई के सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करना शुरू करना है। कैसे करें यार? हाय गाइस, आप हमें SIT पे पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज 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 बी काइंड टू अस एंड आज का एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। और आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है कि पुलकित ने अपने सैंडविच में क्या कुछ नहीं डलवाया था? तुम लोगों ने सैंडविच खाया हमें बता, मुझे 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 भूख लग रही थी यार। प्रोडक्शन से बात कर। हां तो मेरे बारे में ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस सवाल का जवाब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते। यू नो अब मैं तभी सेलिब्रेट करूंगा जब हमारा ऐप सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा, बट यू नो मेरे लिए पर्सनल सेलिब्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम की सक्सेस सेलिब्रेट करना। चेयर अप, जो होना था हो गया। अरे जो होना चाहिए था वही तो नहीं हुआ ना। आई थिंक अच्छा हुआ चौधरी अंकल टाइम से आ गए, नहीं तो 2 साल पहले वाली गलती दोबारा हो जाती। अरे पुलकित, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। तेरा जब तक रहने का मन है तो इस घर में रह सकता है।